उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहां से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद है उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए हैं, उसमें से हमारा एक CRPF का जवान जो है वो शहीद हुआ बाद में, वो जख्मियों की ताप ना ला के सका और जहाँ बाक हो गया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए, तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के जो BP गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त CRPF की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। हमारी एक पेट्रोल पार्टी CRPF और पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में, उस पर मिलिटेंट्स ने जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है, और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ और हमारे CRPF के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर, और एक सिविलियन जो है जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी इस कम हुआ है।